तो दोस्तों फाइनली मनारा चोपड़ा को लेकर परिणीति चोपड़ा ने पहली बार कोई ऐसी स्टोरी लगाई है या फिर कोई ऐसा बयान दिया है जिसके बाद एक अलग ही लेवल का स्पेकुलेशन हो रहा है, एक अलग ही लेवल का नजरिया लोग कह रहे हैं कि भाई फाइनली परिणीति ने रिप्लाई कर दिया मनारा के बारे में, मनारा के गेम पर। तो अगर इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है और क्या हुआ है ऐसा, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि हाल फिलहाल मनारा चोपड़ा जो है बिग बॉस के घर में है, कुछ लोगों को उनका गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो कुछ लोग उनके गेम को थोड़ा सा अलग नज़रिए से भी देख रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मनारा का गेम जो है कुछ अच्छा भी है, कुछ ख़राब भी है और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू उनके जो हैं वो उन्हीं को डिस्टर्ब करने वाले हैं आगे चलकर। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि मनारा जो है वो कज़न है प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की, जिसके बाद उनको पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी करती हुई दिखी है। मनारा ने खुद इस चीज़ पर मना भी किया है कि प्लीज़ मेरे सिस्टर्स का नाम ना लिया जाए। उनका ऐसा मानना है कि वो चाहती हैं कि मैं अपने सिस्टर के बलबूते पर नहीं बल्कि मेरे खुद के बलबूते पर इंडस्ट्री में हूँ, उनका ऐसा मानना है। लेकिन फिलहाल परिणीति ने एक स्टोरी लगाई है और उस स्टोरी का क्लियर कट विजन या क्लियर कट बातें जो हैं वो उसी दिशा में जा रहा है, उसी तरफ इंडिकेट हो रहा है और उसी तरफ दिखाई दे रहा है जहां पर भाई ऐसा बताया जा रहा है कि ये चीज़ लिखी गई मनारा के लिए ही है। ये देख सकते हो आप, ये स्टोरी है जिसमें परिणीति ने लिखा है, आई एम सीइंग फैन पेजेस पुटिंग आउट कोट्स इन फेवर ऑफ देयर आर्टिस्ट यूजिंग माई नेम, दिस आर फेक, आई हैव गिवन नो इंटरव्यूज कोट्स अबाउट एनी वन कॉन्ग्रेचुलेटिंग दिम और अप्रिशिएटिंग दिम, आई एम वॉचिंग एंड विल बी रिपोर्टिंग यू ऑल्सो, गेट योर फैक्ट्स चेक्ड फर्स्ट, अ लिटिल गूगलिंग नेवर हर्ट एनी वन। तो ये उनका कमेंट है जिसके बाद बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये उन्होंने शायद मनारा के लिए लिखा है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।